दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए कुछ नई बातें, कुछ नए विषय, कुछ नए टॉपिक, कुछ नए अध्यायों से जुड़ते हैं आज। संज्ञा। संज्ञा से पहले हम कुछ और जानते हैं ताकि हम ये जान सकें संज्ञा है क्या, उसकी परिभाषा से पूर्व। अक्षरों के समूह को जिसका कि कोई अर्थ निकलता है शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कै, मैं तथा लय के मेल से कमल बनता है तथा इसका अर्थ भी निकलता है, अतः कमल एक शब्द है। किंतु लकम भी इन्हीं तीनों अक्षरों के मेल से बनता है, परंतु उसका कुछ अर्थ नहीं निकलने के कारण वह शब्द नहीं माना जाता, या वह शब्द तो है लेकिन बिना किसी अर्थ का शब्द है, और शब्द वही है या सार्थक है जिसका अर्थ निकले, अर्थात वही शब्द मान्य है। व्याकरण के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द या अव्यय भी चार प्रकार के माने गए हैं, जो निम्न है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार ये आठ प्रकार के शब्द भेद होते हैं। अब हम समझते हैं संज्ञा के बारे में, क्योंकि इससे पूर्व हमने जान लिया कि संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आती है, शब्द भेद के अंतर्गत आती है। संज्ञा किसी भी नाम, जगह, व्यक्ति विशेष, भाव अथवा स्थान आदि बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत, भलाई, कुर्सी, ऋतु आदि। इन उदाहरणों में भारत स्थान का नाम है, भलाई भाव का नाम है, कुर्सी वस्तु का नाम है और दीपिका लड़की यानी कि व्यक्ति का नाम है। अब हम जानते हैं इनके प्रकारों के बारे में, भेदों के बारे में। परंपरागत रूप से यानी प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के पांच भेद बताए हैं और आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के तीन भेद यानी तीन प्रकार हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पांच भेद कौन कौन से हैं, निम्न हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आधुनिक मान्यता के अनुसार तीन भेद जो प्रमुख हैं वो हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब प्रचलन में ये आधुनिक मान्यता के अनुसार तीन भेद ही हैं तो हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे मुख्यतः। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कहते किसे हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है। जैसे वस्तु के रूप में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि, ये सब वस्तुएं हैं तो एक जाति होगी वस्तु। स्थान, गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि, ये स्थानों की एक जाति हो गई। प्राणी यानी कि जीव, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का आदि। अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण सहित हम और स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करते हैं। गाय।
गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफ़ेद, देशी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध होता है। अतः गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई। लड़का, लड़का बोलने से सभी तरह के वे सभी जगह के लड़कों का बोध होता है, जैसे रामू, श्यामू, विकास, आकाश, पीटर, मार्टिन, डेनियल, सिद्धू, परमिंदर आदि, क्योंकि मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति हुई, अतः वह किसी भी नाम का हो सकता है। नदी, नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। यह शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। इसके अंतर्गत सभी नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी से लेकर अमेजन नदी तक आती हैं। अतः नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, क्योंकि नदी जल स्रोतों की एक जाति है। पहाड़, यह शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है, अतः पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। शहर, यह एक स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत तमाम शहर आएंगे, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुर, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ आदि। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। इन वाक्यों में बच्चे, खिलौने, पेड़ व पक्षी शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी भी विशेष बच्चे, पक्षी या पेड़ का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अन्य उदाहरण, हिरण का शेर शिकार करते हैं, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। इन वाक्यों में हिरण, शेर, गाड़ियां शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध न कराकर शेर, हिरण व गाड़ियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं। इन वाक्यों में शहर, बच्चे व स्कूल शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान का बोध न कराकर सारे शहर, स्कूल व बच्चों का बोध करा रहे हैं। मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। इन उदाहरणों में मनुष्य और प्रजाति किसी एक मनुष्य या प्रजाति का बोध नहीं करा रही, बल्कि सभी मनुष्य और प्रजाति के बारे में बता रही है। इसीलिए दोनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरे उदाहरण में उसी प्रकार कुत्ता और जानवर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी कुत्तों और जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें संज्ञा के बारे में एवं संज्ञा के भेदों के बारे में तथा विशेष रूप से जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया हमने। अगली वीडियो में हम और जो संज्ञाएँ बची हुई हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई वीडियो हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। यदि आप कोई विशेष कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएँ, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। अन्यथा हमारे चैनल पर आप विजिट करते रहें, लगातार हम हर तरह की वीडियो हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित बना रहे हैं और बनाएंगे। पुनः आपका धन्यवाद। बहुत जल्दी ही नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।